तो फ्रेंड्स, हर एक को ये जानने की इच्छा होती है कि उसके सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप किसी के इंसान के दिमाग को काफी हद तक पढ़ पाएंगे। कभी कभी हम किसी को कोई सवाल पूछते हैं और हमें वो आंसर नहीं मिलता जिसके लिए हम रुके हुए थे। तो आप उस इंसान को ऐसा तो नहीं बोल सकते तूने गलत किया, आप चिल्लाएंगे तो वो बुरा भी मान सकता है। तो आप उस इंसान की आंखों में देखिए, इससे उसे ये अंदाजा हो जाएगा कि सामने वाले को जिस आंसर की लिए वो रुका हुआ था उसे वो आंसर नहीं मिला है, वो अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो वो दूसरा कोई अच्छा आंसर बना के बोलने की कोशिश करेगा। तो हम सबके जिंदगी में ऐसा होता है कि टीचर्स या पेरेंट्स कभी हम पर ज्यादा चिल्ला देते हैं तो इस समय हमारे दिमाग में बहुत गुस्सा बढ़ जाता है और हम उन्हें गुस्सा से देखने लगते हैं। तो इस समय कुछ भी बोलना एक गलत बात होगी क्योंकि गुस्से में इंसान के मुंह से कुछ गलत बातें निकल जाती है। तो उस समय हमें कूल रहना चाहिए और अपने आप को भी हमें काम रखकर काम करना चाहिए। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों को में फेमस होना चाहते हैं तो नाम याद रखना ये एक बड़ी चीज है। तो अगर आप फेमस हो गए और आपने अगर किसी का नाम याद नहीं रखा तो वो इंसान बुरा मान सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपका दोस्त कहीं रास्ते पर मिल जाए और उस वक्त आप फेमस हैं तो आप अगर उसको उसके नाम से पुकारेंगे तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप कभी भी किसी का अपने फ्रेंड्स में या अपने दोस्तों या भाई बहन में किसी में भी आप अपना सबका नाम याद रखें। हम सभी कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में एक ना एक बार डिप्रेशन में ज़रूर होते हैं, वो चाहे एग्ज़ाम की वजह से हो या किसी के मारने पीटने की वजह से या फिर अपने जिंदगी में किसी चीज़ के हार पाने की वजह से हम एक ना एक बार डिप्रेशन में ज़रूर होते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? डिप्रेशन के वक्त हमारे दिमाग में कई थॉट्स चलते हैं, उन थॉट्स को हमें किसी डायरी में लिखकर उसे बंद कर देना चाहिए। इससे हमारे दिमाग को रिलैक्स फील होता है क्योंकि हमने अपना दर्द हमारा दुख किसी के साथ शेयर कर दिया। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपको कभी ना कभी लगता होगा कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन से हम किसे चुने, चाहे वो कपड़े को तय करने में हो या फिर अपने जूतों को तय करने में हो। तो आपके अपने ज़िंदगी में बहुत ही कम ऑप्शंस रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है जिसके चार ऑप्शंस है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा उन चार ऑप्शंस पर। तो अगर उसके जगह पे दो ऑप्शंस होते तो आपको चुनने में आसानी होती है क्योंकि आपके पास चुनने के लिए कम ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे ही आपको पूरे जिंदगी में अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ कम ऑप्शंस रखने चाहिए। अगला जो ट्रिक है वो आपको अपने ऑफिस में ज़रूर काम आएगा क्योंकि पोस्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एटीट्यूड भी इसके साथ ही आता है। आपको अपने इंटरव्यू में जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं उनको ये अंदाजा जरूर होगा कि इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं उनको आपके पोस्चर और एटीट्यूड से काफ़ी हद तक उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको वो प्रभावित लग सकते हैं। इसलिए आपको अपने ऑफिस में अपने पोस्चर को सही रखना चाहिए। वैसे तो ये क्वालिटी हम सभी में होनी चाहिए कि हम किसी की मदद करें क्योंकि अगर आप किसी की मदद करोगे तो वो भी कभी ना कभी आपकी मदद जरूर करेगा। तो इसलिए आप सभी को भी किसी ना किसी की मदद अगर मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। और अगर आपको मदद की जरूरत है और उस वक्त आपके साथ कोई ना हो तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि आई नीड योर हेल्प। इन शब्दों से आपको मदद मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसे ट्राई जरूर करना। अगर आप किसी के दिल के इमोशंस को जानना चाहते हैं तो आप उसके फेस पर देखते हैं क्योंकि एक्सप्रेशंस भी इमोशन के जरिए बाहर आते हैं। अगर आप किसी का कोई अगर दुख हो तो रोता है तो पता चल जाता है कि वो दुखी है उसके एक्सप्रेशंस के जरिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपके सामने वाले के एक्सप्रेशंस असली हैं या झूठ, तो आप उसके फेस को देख सकते हैं कि उसके फेस पे कैसे एक्सप्रेशन है। उसके फेस के अगर आधे साइड कम एक्सप्रेशन है और आधे साइड में कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो वो फेक इमोशंस जता रहा है वो इंसान। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर करना, आपको सबसे अच्छा लगा ये कमेंट में जरूर करना। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए।